एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी जो अब बदल चुकी है रियल लाइफ में, और इसे खड़ा करने वाले चार पिलर हैं मेरे साथ जो आप लोगों के सामने मौजूद हैं। सबसे पहले जो विलन हैं इनके, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विलन, बिना विलन के हीरो ही नहीं, उनसे बात करते हैं। यशपाल जी, सबसे पहले कैसा रहा एक्सपीरियंस विलन प्ले करने का और एक रियल लाइफ को प्ले करने का? नहीं, मैं पहले तो एक बात बता दूं, चार पिलर हैं लेकिन कुछ पिलर हैं जो गायब हैं, हैं नहीं इस वक्त, क्योंकि सीमा विश्वास, किशोर कदम और भी बहुत सारे एक्टर और बहुत सारी टेक्निकल टीम जो सारे पिलर हैं। तो ये फिल्म इसीलिए हमें अच्छी लगती है क्योंकि इसमें टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग है और टीम वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है सबका, और बहुत मिलजुल के एक फैमिली की तरह बनाई गई फिल्म है। दिव्या, बहुत इंटरेस्टिंग रोल है आपका, जैसा कि मुझे सुनने में आया कि आप ही हैं जो एक जज्बे के साथ इस फिल्म लड़ती हैं और आगे ले जाती हैं स्टोरी को। सो आई मीन, डिफ़िकल्ट था आपके लिए या कैसा रहा कैरेक्टर प्ले करना? एक ऐसा रोल जो आई थिंक हर एक के अंदर है, कहीं ना कहीं आप रिलेट ज़रूर करेंगे, आप में है, मुझ में है, इनमें है, वो एक आवाज़ सबके अंदर है लेकिन वो कहीं दबी हुई है। तो आई थिंक वो अंजलि ने उठाई कहीं ना कहीं, जिसे खुद को झकझोरना पड़ा उनके अपने हस्बैंड को, जब वो एक खबर सुन रही थी कि मंजुनाथ की किलिंग हो गई है। तो एक नॉर्मल जो हम अफसोस करते हैं और जेन्युइनली करते हैं कि बहुत बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड यू प्रॉब्ली डोंट थिंक कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस बारे में, ये मेरा काम नहीं है। तो उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि तुम कुछ कर रहे हो इस बारे में, तो एक वो जो छोटा मोमेंट आता है कि मैं कैसे, मतलब ये मेरा काम है या मैं कर सकती हूँ, या अगर मैं करूँ मेरा कोई साथ निभाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपके सामने आते हैं। और आई थिंक वो जो एक पॉइंट, वो एक इनिशिएटिव, वो जो एक सेकेंड की आप एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ मैं, वो आई थिंक अंजलि की आवाज़ है। और मुझे लगता है वो आवाज़ हर एक के अंदर है जो हमने कहीं ना कहीं दबा दी है, जहाँ एक कॉमन आदमी एक स्टेप उठा सकता है, और आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है आजकल के माहौल में उठाना, बिकॉज आप एक स्टेप उठाते हैं तो 10 आपके साथ आते हैं, तो बस वो हाथ थामने की ज़रूरत होती है। सो वो एक आवाज़ अंजलि की है जो मुझे खुद को मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत इंस्पायरिंग लगी, एंड आई एम रियली रियली थरली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई कुड डू दिस रोल। जैसा आपने बोला कि एक जन आवाज़ उठाते हैं और बाकी लोग उससे मिल जाते हैं, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत लोग सपोर्ट करें, इवन हर्षा भोगले ने सब ने ट्वीट किया था इसके बारे में। सो एज एन डायरेक्टर, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस थीम को उठाने की? क्योंकि आई मीन स्टोरी तो है बट किसी ने अभी तक टच नहीं किया था। हाँ, तो स्टोरी तो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी कर सकता था इसको। कहीं पर ये वो कहानी है जो मुझे लगता है कि मैं खुद हो सकता था या हम सब हो सकते थे, लेकिन हम में हिम्मत नहीं थी। तो कहीं पर वो मुझे लगा कि ये जो जवान आदमी था, ये एक तरह से मुझको ये सबक सिखा गया कि अपने अंदर के सच को आप डिस्कवर करें। तो इस वजह से मैं इंस्पायर हो गया, मुझे लगा कि मैं तो नहीं कर पाता लेकिन मैं जो भी बन पड़े, इसकी कहानी सबके सामने आए, तो जैसे मेरे लिए इंस्पिरेशनल हुई है वैसे ही सबके लिए इंस्पिरेशनल होगी। जब भी कुछ रियलिस्टिक फिल्म्स लोग जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ कांड होता है, आई मीन कोई धमकी भी आती है, लोगों के कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, आपको कुछ ऐसा इंडस्ट्री से या फ्रेंड सर्कल से कुछ कमेंट्स, आई मीन या फिर जो भी ऑल इंडस्ट्री 3 या आई एम से कुछ सपोर्ट, इस टाइप के कुछ मैसेजेस? मुझे तो धमकियाँ नहीं है, इट वुड बी द राइट पर्सन टू आस्क दैट, बट सपोर्ट, अप्रिसिएशन एब्सोल्युटली। अभी वापस आई और जब मैंने अपना फेसबुक और अपना ट्विटर खोला तो मंजुनाथ से वो पूरा भरा पड़ा है, इतने सारे लाइक्स, इतने सारा सपोर्ट, और बहुत खुशी होती है ये देखकर कि कमर्शियल फिल्मों के पूरे उसमें कुछ फिल्मों को लोग खुद देखना चाहते हैं। तो जब हमसे कोई कहता है कि यू मस्ट रिक्वेस्ट द पीपल टू वॉच इट, आई रियली डोंट फील द नीड, बिकॉज मुझे लगता है लोग खुद देखना चाहते हैं कुछ अच्छी फिल्में, और उन्हें मालूम होता है कि वो क्या देखना चाहते हैं। तो कुछ सच्चाई की जो सच्ची डिपिक्शंस होती हैं, आई थिंक ऑडियंस इज सेंसिबल इनफ कि हम उन्हें जाकर देखें, उन्हें बढ़ावा दें और कुछ लोगों को और साथ ले जाएँ कि यार वो फिल्म देखना बड़ी अच्छी। आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑफ लेट ऐसे आए हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से फिल्में चली हैं, चाहे आप वो क्वीन देखें, चाहे आप शाहिद देखें, चाहे लंच बॉक्स देखें, बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत बड़े लेवल की नहीं थी लेकिन इतनी सच्ची फिल्में थी अपने जॉनर में कि लोग एक दूसरे को बोलकर उस फिल्म को उन्होंने बड़ा बनाया। सो आई थिंक मंजुनाथ बिलोंग्स टू दैट।